हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आप देख रहे हैं शेफ मानीपुरी चैनल। आज आपके सामने लेके आए बहुत ही स्पेशल रेसिपी, पनीर पोशीदा टिक्का। आज हम बताने वाले हैं आप अपने घर में, होटल और रेस्टोरेंट में पनीर पोशीदा टिक्का कैसे बनाएं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप, बिना स्किप किए। चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो पनीर पोशीदा टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमने पनीर को कट कर लेना है। आप देख सकते हैं हम कैसे कट कर रहे हैं पनीर को, एकदम आसान तरीके से आपने पनीर को कट कर लेना है, जैसे कि हम कट कर रहे हैं। ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो, हम 6 पीस का बना रहे हैं एक पोर्शन, तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं, आपको जितना भी बनाना हो। तो हमने पनीर को कट कर लिया है। अब हम एक बॉल लेंगे, बॉल में सबसे पहले हम मसाला बना लेंगे पनीर का। हमने 2 टेबल स्पून डाला है इसमें हैंकर्ड, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, वाइट सॉल्ट 2 पिंच, 1/4 स्पून इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, साथ ही साथ 1/4 स्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/4 स्पून, किचन किंग 1/4 स्पून, साथ ही साथ 1 टीस्पून इसमें हम करीबन 10 ग्राम चीज़ अमूल डाल देंगे, अमूल चीज़। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे अमूल क्रीम। उसके बाद इसमें हम मास्टर्ड ऑयल का बनाया हुआ कलर ऐड कर देंगे, येलो कलर जो होता है, बनाते हैं हम लोग मास्टर्ड ऑयल से वो। उसके बाद आपको इसको अच्छे से मिला लेना है। आप देख सकते हैं हमने मिला लिया है मसाले को। आपने इसमें लेमन नहीं डाला, लेमन आप लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो हमने पनीर को ऐड कर देना है एक एक करके सारी। आप पनीर को मैरिनेशन भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्यूब शिमला मिर्चा, टमाटर और प्याज ऐड कर दिया है काट के, आप भी काट लें। इसको मिला लें आप जैसे कि हम मिला रहे हैं, आप देख सकते हैं। मिलाने के बाद आप इसको कम से कम 20 मिनट के लिए अच्छे से पैक करके या ऐसे भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख दें, बाहर भी आप इसको अच्छे से रख दें ताकि इसमें मसाला अच्छे से पकड़ ले। आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से मिल गया है, हमने इसको रख दिया। अब हमारा 20 मिनट हो गया, हम इसको सरिया में लगा लेंगे एक एक करके। तो आपने सबसे पहले इसमें प्याज लगानी है या शिमला मिर्च, टमाटर, कुछ भी आप लगा सकते हैं पहले, उसके बाद पनीर आपको लगानी है। फिर आपको टमाटर लगा लेना या शिमला मिर्च, एक एक करके आप ऐसे पूरा लगा लें जैसे कि हम लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जब हमारा पूरा पनीर लग जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम इस पर मसाला अच्छे से लगा लेंगे। मसाला लगाने के बाद इसमें हम आलू लगाएंगे, सपोर्ट के लिए हम आलू लगा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पनीर लग गया, हम इस पर मसाला लगा रहे हैं अच्छे से। अब हमने मसाला लगा लिया है, हम इसमें आलू लगा लेंगे आगे। कच्चा आलू आप लगा लें ताकि आपकी पनीर गिरेगी नहीं तंदूर के अंदर। अब इसको हम तंदूर में लगा रहे हैं। लगाने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसको पहले सेक लेंगे अच्छे से, 4 से 5 मिनट आप सेक लें। अब आप देख सकते हैं हमारा पनीर 4 से 5 मिनट पक गया है, पनीर में कलर आ गया है। थोड़ा सा इसमें बटर या ऑयल लगा लें। बटर ऑयल लगाने के बाद 2 से 3 मिनट आपको और पकाना है, ज़्यादा नहीं, खाली पनीर में कलर आ जाए। बाकी आप देख सकते हैं हमारा पनीर अच्छे से कलर भी आ चुका है, थोड़ा और कलर हमको लाना है पनीर में बस। आप देख सकते हैं हमारा पनीर अच्छे से पक चुका है, साथ ही साथ हमारा टंगड़ी का भी ऑर्डर आ चुका है, तो हमने टंगड़ी भी लगा लिया है। अब इसको हम एक प्लेटर में निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे और नींबू इसमें हम निचोड़ लेंगे नींबू, साथ में थोड़ी सी हम ऊपर से क्रीम डाल देंगे क्रीम, और लास्ट में हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पनीर पोशीदा टिक्का बनके तैयार है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर।